लिवलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैंने आप लोगों को सिखाना शुरू किया है का यानी टेंस। ओके, तो पार्ट वन में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और बहुत ही डिटेल में बच्चों को समझ में भी आया है। ओके, तो भी ये तो आपके दिमाग में हो गया फिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधा काल, अपूर्ण काल, पूर्ण काल, रीति काल। तो क्या है ये प्रकार, तो देखते हैं हम लोग। अभी देखो, प्रत्येक काळाचे साधा, अपूर्ण, पूर्ण व रीति असे चार पोट प्रकार पडतात। ओके, तो अभी क्या है ये पोट प्रकार, देखते हैं हम लोग, सीखेंगे तो सब पता चलेगा, है क्या नहीं। एक साधा काळ, साधा काळ क्या होता है? या काळातील क्रियापदावरून वाक्यातील कृती समजते। भाई जो भी काम हो रहा है ना, इसमें साधा काल में जो भी काम हो रहा है ना, तो उसके बारे में हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है। ओके, तो अभी जैसे एग्जांपल दिया है इन लोगों ने यहाँ पर, उदाहरणार्थ होता है, उदा मीन्स उदाहरणार्थ, फॉर एग्जांपल होता है ये, ठीक है। तो कभी भी ऐसे उदा के आगे ऐसे डॉट दिखे ना, तो तुम लोग को समझ जाना चाहिए कि वो फॉर एग्जाम्पल है। मला चिंच आवडते, इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। चिंच यानी इमली, इमली टेमरिंड। तो मला चिंच आवडते, तो मुझे इमली बहुत पसंद है। दिस इज प्रेजेंट। ओके, साधा वर्तमान काल, मला चिंच आवडत होती, मुझे इमली पसंद थी। ओके, अभी नहीं है, वो थी हो गई, मीन्स साधा भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, मला चिंच आवडेल, मुझे चिंच खाना अच्छा लगेगा, इमली खाना अच्छा लगेगा। क्या हो गया ये? फ्यूचर, मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। समझ गए आप लोग? मला चिंच आवडते, सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधा वर्तमान काळ। मला चिंच आवडत होती, सिंपल पास्ट टेंस, साधा भूतकाळ। मला चिंच आवडेल, मुझे इमली खाना अच्छा लगेगा, यानी दो तुम लोग, मैं खाऊंगा। ओके, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, गॉट इट, गुड। तो अभी सिंपल टेंस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हम लोग देखते हैं अपूर्ण काल, अपूर्ण काल, इनकम्प्लीट। ओके, तो अपूर्ण काल, वाक्यातील क्रिया चालू आहे किंवा अपूर्ण आहे हे समजते। कोई भी एक सेंटेंस है उसमें की क्रिया चालू है या फिर इनकम्प्लीट है, ये हम लोगों को समझ में आता है। ओके, जैसे उदाहरणार्थ, तो हसत आहे, वो हंस रहा है, तो हसत होता, वो हंस रहा था, पास्ट, एंड तो हसत असेल, वो हंस रहा होगा। ओके, तो ये है अपूर्ण काल। तो कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण काळ, वाक्यातील क्रिया चालू आहे किंवा अपूर्ण आहे हे समजते। चालू है या कंप्लीट हो गई है ये हम लोग को समझता है, उसके लिए तीन एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने। तो हंसता है, वो हंस रहा है, तो हंसत होता, वो हंस रहा था, तो हंसत असेल, वो हंस रहा होगा। ओके, तो कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण काल। उसके बाद है थ्री पूर्ण काल, पूर्ण मीन्स कंप्लीट। ओके, तो वाक्यातील क्रिया त्या त्या काळात पूर्ण झाली हे समजते।
कोई भी काम उस पीरियड में कंप्लीट हो गया है, ये हम लोगों को उस सेंटेंस में से समझ में आता है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल, त्याने लाडू खाला, उसने लड्डू खाया, त्याने लाडू खाला होता, उसने लड्डू खाया था, त्याने लाडू खाला असेल, उसने लड्डू खाया होगा। आगे फोर्थ जो है रीतिकाळ, रीतिकाळ या काळातील क्रियापदावरून क्रियेची रीत वा वहिवाट समझते। तो किस टाइप का ये काळ है ये हम लोग को समझता है। अभी रीतिकाळ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? ओके तो उसका उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल, खात अस्तो मीन्स खाते रहता है, खात असे खाता था, खात असेल असेल मीन्स वो खा रहा होगा। ओके देखो सेंटेंस में कितना फर्क पड़ जाता है। ओके असे खात असे हो गया पास्ट टेंस, असेल खा रहा होगा वो, समझे? ये हो गया फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है? यस। तो अभी कुछ बातें जो है वो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, हे लक्षात ठेवा। ओके कभी भूलना मत, तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का। ओके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी इसमें भी पोट प्रकार है, जैसे साधा वर्तमान का, साधा भूत का, साधा भविष्य का, पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण भूत का, पूर्ण भविष्य का, अपूर्ण वर्तमान का, अपूर्ण भूत का, अपूर्ण भविष्य का, रीति वर्तमान का, रीति भूत का, रीति भविष्य का। तो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, साधा वर्तमान का नाचतो, साधा भूत का नाचला हो गया है, साधा भविष्य का नाचेल, पूर्ण वर्तमान का नाचला है, पूर्ण भूत का नाचला होता, पूर्ण भविष्य का नाचला असेल, अपूर्ण वर्तमान का नाचत आहे, अपूर्ण भूत का नाचत होता, अपूर्ण भविष्य का नाचत असेल, रीति वर्तमान का नाचत असतो, रीति भूत का नाचत असे, रीति भविष्य का नाचत जाईल। तो ये जो डिफरेंस है वो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है ना, जब तक पूरा दिमाग में फिट नहीं बैठे ना, तब तक देखते रहना ये वीडियो। ओके इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके फिर इसके बाद में एंड में आप लोगों को कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप उन सवालों के जवाब मुझे सही से देंगे। ओके तो पूरे दिलेला वाक्याचा का ओळखा, तो टेंस पहचानने के लिए कहाँ है, का मीन्स टेंस। अजिंठ्याची प्रसिद्ध लेणी पाहण्यासाठी आम्ही गेलो होतो, गेलो होतो मीन्स क्या हो गया वो। अभी यहाँ पर इन लोगों ने आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, भविष्यकाल है ये, भूतकाल है, वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल। यस करेक्ट, होतो है ना, मीन्स ये हो गया हुआ है, इसके लिए ये है भूतकाल, पास्ट टेंस है ये वाक्य। ओके उसके बाद पुढील सूचनेप्रमाणे त्या काळातील वाक्याचा पर्याय ओळखा। अभी एज पर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को ये कौन सा का है वो पहचानना है। मी पुस्तक वाचत आहे या वाक्याचे अपूर्ण भूतकाळी वाक्य कोणते होईल। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, मी पुस्तक वाचत आहे मीन्स मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ओके तो इसे हम लोगों को करना है अपूर्ण भूतकाळ। ओके तो कैसे करेंगे हम लोग, इन लोगों ने हमें चार ऑप्शंस दिए हुए, मी पुस्तक वाचत असेन, मी पुस्तक वाचले, मी पुस्तक वाचत होतो, मी पुस्तक वाचीन। तो इसका प्रॉपर आएगा मी पुस्तक वाचत होतो।
तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। ओके, फिर तीन, पुढील पैकी रीति भूतकाळी वाक्य ओळखा। तो मुलांनी फुगे वाल्या भोवती गर्दी केली, डॉक्टर माझ्याकडे बघत होते, आमचा कुत्रा मला नेहमी मित्राप्रमाणे भासत असे, मी अभ्यास केला होता। तो रीति भूतकाळी वाक्य में क्या आएगा? डॉक्टर माझ्याकडे बघत होते। ओके, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ओके, फिर इसके आगे मैं कुछ सवाल अभी तुम लोगों को देने वाली हूँ, उसके जवाब तुम लोगों को मुझे देने हैं। ओके, कमेंट्स में। रेडी? अभी आगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रही हूँ, आप लोगों को वो पढ़ने हैं और इसके जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है? और वो सही है या गलत है मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। ओके, टिल देन वेट एंड वॉच। ओके, तो चलो देन, बाय बाय।